2025 के एग्जामिनेशंस का काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चाहे स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, जो स्टूडेंट्स 2025 में जेई या नीट का एग्जाम देने वाले हैं उन सबकी निगाहें फाइनली अपने टारगेट पे लॉक हो चुकी हैं। 24 के रिजल्ट्स ने बहुत सारी इनसाइट्स स्टूडेंट्स को दी हैं, चाहे वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट हो, कट ऑफ जबरदस्त लेवल पर ऊपर गई हैं। नीट में अभी तक री नीट का कोई डिसीजन या कोई भी कंक्लूजन लगता है सामने नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ इन 2025 whether it is JEE or NEET. So my dear students, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बता रहा हूँ, अगर आप इन फैक्टर्स के साथ चलते हो तो आप सर्टेनली 2025 के कॉम्पिटिशन को पूरी तरह से क्रैश करके अपने लिए जगह बना लोगे। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स से जो हमने डिस्कशन किए, एनालिसिस किए, उससे यही सामने आया है कि 24 में जिस लेवल का कॉम्पिटिशन था अब तक की हिस्ट्री में वो कॉम्पिटिशन कभी नहीं हुआ, और इस कॉम्पिटिशन को जिन लोगों ने ब्रेक थ्रू करके अपनी जगह बनाई है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जिनको ना पेपर के लीक के बारे में पता था, ना चीटिंग के बारे में पता था, और उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत से ये एग्जाम दिया और नीट में भी 700 से ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। रेदर पेपर कंडक्ट होने से वेल बिफोर टाइम मैंने ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बता दी थी कि 700 से ऊपर इस बार बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस था उससे भी एक्सपेक्टेड कहीं ज़्यादा स्टूडेंट ने 700 प्लस स्कोर किया। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के ऊपर जिन फैक्टर्स के दम पे 2025 का कॉम्पिटिशन बीट किया जा सकता है। हैव अ प्रॉपर थॉट ऑन ऑल द फैक्टर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और इसको अभी से इंप्लीमेंट करना अपनी प्रिपरेशन में शुरू कीजिए और देखिए आप कहां पे अपनी जगह बनाते हैं। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर, ये फैक्टर बताने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्टूडेंट्स इसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं और स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं लेकिन इसको अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन प्रिपरेशन। अब बात यह आती है कि हमें कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मॉक स्कोर डाउन होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डाउन होता चले जाता है, ऐसे में कैसे कॉन्फिडेंस को हाई रखा जाए। स्टूडेंट्स आप अपने थ्योरेटिकल बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि जितने भी क्वेश्चन किसी भी आप मॉक टेस्ट या इंटरनल टेस्ट जिस कोचिंग में हैं, जिस सिस्टम के साथ हैं, देते हैं, उसके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपकी पढ़ाई गई फंडामेंटल थ्योरी से लिंक्ड है और आपने वो गलत किया है तो गलती आपकी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि ये चीजें मैंने एनसीईआरटी में अपने नोट्स में पढ़ी थी उसके बावजूद मैंने गलत किया। और कोई ऐसी चीज इंटरनल टेस्ट या मॉक टेस्ट में आती है जिससे रिलेटेड कोई भी चीज का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, इस तरह के एप्लीकेशन आपने पहले देखे ही नहीं थे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीजें अब जेई मेन या नीट में कतई नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि एवरीथिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एनसीईआरटी एप्लीकेशन। लेकिन यस, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, हर सॉल्व्ड एग्जांपल, इंटेक्स क्वेश्चन और थ्योरेटिकल बेस को आपको जबरदस्त लेवल पर तैयार करना है और अपना कॉन्फिडेंस उस पर लॉक कीजिए और आप मान के चलिए यही चीजें आपको ले जाएंगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने कॉन्फिडेंस रखा था भले उनके कई कोचिंग के अंदर 500-550 मार्क्स आ रहे थे लेकिन उस एनसीईआरटी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे नीट के अंदर 700 तक टच कर गए और इवन इन जेई मेन ऑल्सो जो 200-210 थे वो 270-280 इस बार जेई मेन में टच कर गए। तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए एनसीईआरटी के कंप्लीट टेक्स्ट के ऊपर, उसी से रिलेटेड थ्योरी जो आपके टीचर्स ने आपके नोट्स में पढ़ाई है, उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन, इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइजेज, इन पर पूरी तरह से कमांड आना जरूरी है और पिछले 3 सालों के सभी जेई मेन और नीट के पेपर्स के पीवाईक्यूज पे कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है यू नीड टू फोकस ऑन फंडामेंटल्स। सुनने में बहुत छोटी सी चीज लग रही है स्टूडेंट्स, लेकिन फोकस ऑन फंडामेंटल इतना इजी भी नहीं होता। अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस लाइए, साथ ही आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, उसका सबसे बढ़िया तरीका आप जितने भी एक्सरसाइज करेंगे उनमें जब अपने रिलेवेंट क्वेश्चंस को मार्क करके बार बार करेंगे, कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चंस को करेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट कोशिश कीजिए एक ही वीक यानी 7 दिन के अंदर लीजिए। आपको रियलाइज होगा आपके दिमाग की एप्लीकेशन स्पीड बढ़ गई है, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्टार्ट डूइंग दिस, आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके फंडामेंटल फोकस के साथ अगर आप एक्सेसिवली हार्ड प्रॉब्लम या ऐसे इररिलेवेंट एप्लीकेशंस की प्रॉब्लम जो आपके काम के नहीं है उनको एलिमिनेट करके बाकी चीज़ों को 2-2, 3-3 बार करते हैं तो आप मान के चलिए आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बाकी उसके अलावा फंडामेंटल फोकस इंक्रीज होगा। और ये सारी चीज़ें मैं उन स्टूडेंट्स की रिसर्च के बाद बता रहा हूँ जिन्होंने इस बार जेई मेन में और नीट में बहुत जबरदस्त लेवल पर ऑलरेडी परफॉर्म किया है। तीसरा फैक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस फैक्टर को फॉलो किया उन्होंने बहुत जबरदस्त ब्रेक थ्रू लिया है और अपनी जगह बनाई है, दैट इज
शॉर्ट नोट्स मेकिंग. बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कॉमन नोट्स हमें याद रहते हैं. लेकिन अब मैं कंसिस्टेंटली इंसिस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप कंसिस्टेंट लेवल पे अपनी शॉर्ट नोट्स बिल्डिंग करते रहिए. और दूसरी, रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाइए. डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 40-50 मिनट, एक घंटे तक अपने नोट्स की रीडिंग का टाइम निकालिए. प्रिंटेड टेक्स्ट यानी एनसीईआरटी बुक या ऐसी कोई भी फंडामेंटल थ्योरी बुक का एक्सेस आपको है तो उस बुक को रीड आउट जरूर करिए. और रीडिंग के साथ शॉर्ट नोट्स की मेकिंग लगातार चालू रखिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स कम टाइम में मल्टीपल रिविजन का इकलौता तरीका है. एक ही दिन के अंदर आप 10-10 बार अपने पूरे फंडामेंटल्स को स्ट्रांगली रिव्यू कर सकते हैं. शॉर्ट नोट्स में आप वही चीजें रखिए जो आपके लिए रिलेवेंट है. इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट जो पिछले 3 साल में जेई मेन या नीट में नहीं पूछे गए उनको हटा दीजिए, उसी लेवल की चीजें रखनी और एनसीईआरटी को पूरा का पूरा सिंक करके चलना है. दैट्स मोस्ट क्रिटिकल एंड एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू. डू नॉट लूज आउट. अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेई एडवांस के लिए क्या एक्स्ट्रा चीजें करेंगे. यहां पे हम जो चीजें कर रहे हैं ये जेई एडवांस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप जेई मेन पे एक्सेल नहीं करेंगे जेई एडवांस उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे. एक और बहुत बड़ी चीज़ है आपका CDF यानी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन फार्मूला. कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके सारे केसेस आपको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल करके रखने हैं क्योंकि उन केसेस के बाहर कोई भी क्वेश्चन जेई मेन या नीट में आने की संभावना ना के बराबर है. एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट को लेके मैंने कई वेबिनार्स लिए हैं, लगातार कई तरह के सेशंस मैं लेता रहता हूं और स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं. उसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, जिन बच्चों ने इस फैक्टर को फोकस किया उन्होंने जेई मेन और नीट में बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर सक्सेस हासिल करी और अपने रूटीन कोचिंग से रिलेटेड जो मॉक्स होते हैं जो डायरेक्टली रिलेवेंट कम होते हैं उनसे आगे निकलते हुए फाइनल एग्जाम में अपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी. ये होती है आपकी सीक्वेंशियल टास्क लिस्टिंग. आप कभी भी टाइम टेबल को मत बनाइए, आप सीक्वेंशियली अपने टास्क की लिस्टिंग करिए और वीकली गोल एनालिसिस कीजिए. अपने वीकली गोल्स को सेट कीजिए कि इस वीक में मुझे इतनी चीज़ें कवर करनी है. 7 दिन के टारगेट आपने बना लिया, उन टारगेट को माइक्रो टारगेट्स में बांट के लिस्ट बनाते जाइए और जो जो टारगेट होता जाए उसको टिक कर दें या कलर कर दें. फायदा ये होगा कि आप रियलाइज करें इस वीक में हो सकता है 7 दिन के बजाय 6 दिन में आपका वो टारगेट पूरा हो. किसी दिन पढ़ाई कम हुई तो अगले दिन आप अपने आप बढ़ा देंगे, आपकी बॉडी क्लॉक अपने आप एडजस्ट होने लगेगी. लेकिन एक बात मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आने वाले 3 से 4 वीक में जो आपने टारगेट्स बनाए वो 7 की जगह 4 या 5 दिन में पूरे होने लगेंगे. आप टाइम मशीन की तरह से टाइम को बचाने लगेंगे एंड देन यू कैन फर्दर इंक्रीज योर वीकली टारगेट्स विच विल हेल्प यू आउट इन managing your time more efficiently. So do not miss out student. ये 4 factors मैंने बताए हैं. आप इस तरह के और factors जानना चाहते हैं तो channel को subscribe करके रखिए. हमारा telegram join कर लीजिए t.me/physicsgalaxyworld क्योंकि इस telegram पे कई activities हम शुरू करने वाले हैं. और 2025 के exam में अगर मेजर ब्रेक थ्रू चाहते हो तो हमारी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म का लिंक पिन कमेंट में है. कई स्टूडेंट्स ने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो अभी इसको इमीडिएटली फिलअप कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट है एक्टिविटी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज रहेगी. सो फिल आउट दिस फॉर्म. वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एज सून एज द एक्टिविटी इज गोइंग टू स्टार्ट. विश यू ऑल द बेस्ट.